हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं लोकेश शर्मा, आपका एजुकेटर। दोस्तों बात करते हैं, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ बच्चे एक ही चीज़ को लेके घूम रहे हैं कि सर एसबीआई क्लरिकल पोस्टपोन होगा या नहीं। ठीक है, सीधा मुद्दे पे आते हैं, इधर उधर की कोई बातचीत नहीं। तो दोस्तों मेरा सिंपल सा ये कहना है, जो बच्चे इस क्वेश्चन को लेके बहुत इधर उधर भटक रहे हैं, कभी फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं, कभी यूट्यूब्स पे कमेंट्स करते हैं, या फिर कभी टेलीग्राम चैनल्स पे परेशान होते हैं, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अपनी तैयारी पर फोकस करें। जो एग्ज़ाम का डेट SBI ने दिया हुआ है जून एंडिंग और जुलाई फर्स्ट वीक, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए, तो हमें उस डेडलाइन तक अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। बस ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी जाता है, अगर आपकी तैयारी जून एंडिंग तक कंप्लीट होगी, तो अगर पोस्टपोन होता है तो आप अपनी उस तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर टाइम पे एग्ज़ाम हो गया और अगर आप एकदम निश्चिंत होकर बैठे हो, किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया कि देखो भैया कोविड फैल रहा है, हर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है, तो ये भी पोस्टपोन होगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि पोस्टपोन नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन बाई चांस, क्योंकि अभी समय है, डेढ़ महीना है, 1.5 मंथ में अभी बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सकता है, माइट भी एग्जाम टाइम पे हो जाए। तो अगर आप ऐसे किसी भुलावे में फंस गए हैं या फिर किसी ऐसी पर्सन की लॉजिकल रीजनिंग में फंस गए हैं जो आपको यकीन दिलवा दे रहा है कि ये पोस्टपोन होगा ही होगा, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़, ओके। तो इन चीज़ों में मत पड़िए, ये चीज़ें ना तो मेरे हाथ की है, ना आपके हाथ की है, ना ही किसी और के हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारे हाथ में एज ए एडुकेटर, मेरे हाथ में आपको प्रिपेयर करवाना, और आपके हाथ में है स्टडी करना। तो इन दो चीज़ों पर ध्यान रखिए, इधर उधर चक्करों में मत फंसिए, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ बच्चे इस तरह की न्यूज़ में बहुत ज़्यादा समय अपना इन्वेस्ट करते हैं और ख़राब करते हैं। आई वुड से इन्वेस्ट तो नहीं कहूँगा, डिसइन्वेस्टमेंट ये एक तरह का, बट ख़राब ज़रूर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई भी स्टूडेंट इस तरह की चीज़ों में ना फंसे, इन्वॉल्व ना हो, और अगर आपके कोई फ्रेंड भी इन सब डिबेट्स में फंसे हुए हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या टाइम पे होगा कि नहीं होगा, तो प्लीज़ उनको भी सजेस्ट कीजिए, भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ये समय बहुत ही अनमोल है। लास्ट ईयर काफ़ी सारे बच्चे इसी चक्रों में थे, क्योंकि SBI क्लरिकल इनडेफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन हो गया था, उसमें तो पता भी नहीं था कि दोबारा कब होगा। फिर भी कई सारे बच्चों को मैं यही कहता रहा, यार पढ़ते रहो, हमारा काम पढ़ना है, हमारे हाथ में ना तो एग्ज़ाम करवाना है, ना एग्ज़ाम को आगे करना या पीछे करना है, हमारे हाथ में है सिर्फ अपनी पढ़ाई। तो कीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, हम लोग बैक टू बैक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए लेक्चर्स लेके आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यूटी में इस चीज़ को पढ़ें, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपको कोई भी इसमें इससे संबंधित डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दें, हमारे और भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और अगर मुझे टाइम मिला तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट्स, ओके गाइज। सो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, ओके, वही आपको काम आने वाला है एंड ऑफ द डे, ओके। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग अब अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस रहेंगे और उसके ऊपर पूरा पूरा ध्यान देंगे, ठीक है गाइज, बाय बाय, टिल टाइम, फिर मिलते हैं।